नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। मेरे पीछे और साइड की तस्वीरें आप लोग देख पा रहे होंगे कि पुलिस से पुलिस चारों तरफ दिखाई दे रही है। क्या किसान आंदोलन दोबारा से छिड़ गया है? हालांकि विधायक के घर का घेराव हमेशा से किसान करते आए हैं लगभग पिछले एक साल से, तो अब यहां पर क्या होने वाला है ये बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। तो आपको बता दूं, जी नहीं, यहां पर कोई किसान नहीं पहुंचने वाला है। अभी जो ये सभी के सभी पुलिसकर्मी आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, ये आपको बता देते हैं कि इस वक्त मीर का हत्याकांड से जुड़े लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। 25 संगठनों ने कल कॉल दी थी कि हरियाणा लेवल के ऊपर सभी के सभी कर्मचारी इकट्ठा होंगे, सभी के सभी संगठन इकट्ठा होंगे और विधायक के घर का घेराव करेंगे। हालांकि अभी सिचुएशन विधायक के घर के बाहर की कैसी है वो आपको बता देती हूँ। अभी तक जो है लगभग आपको बता देते कि 1:06 का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक मीर का हत्याकांड से जुड़े लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब जो है धीरे धीरे करके कहीं से जानकारी मिली है कि मीर का हत्याकांड से जुड़े लोग अब यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और पोजिशंस आप लोग देख पा रहे हैं, पोजिशंस जो है लेते हुए यहाँ पर पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं और अभी इनको डायरेक्शन दी जा रही है कि इस सिचुएशन के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आगे आपको दिखाना चाहूंगी, आगे जो है अभी तक बैरिकेड्स नहीं लगाए गए हैं, बैरिकेड्स जो है बिल्कुल साइड के अंदर रखे गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से एक्शन के अंदर अब पुलिस आ चुकी है, लग रहा है कि मीर का हत्याकांड से जुड़े लोग और जो 25 संगठन है वो अब यहाँ पर कुछ ही समय के अंदर पहुंचने वाले हैं। और अभी देख सकते हैं कि आप अभी तक जो है रिलैक्स मोड के अंदर पुलिस यहाँ दिखाई दे रही थी, लेकिन फटाफट से अभी एक्शन मोड के अंदर पुलिस जो है आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अगर पुलिसकर्मियों की बात की जाए तो पुलिसकर्मी कुछ ज्यादा संख्या के अंदर तैनात नहीं है, लेकिन सिटी थाने के SHO कप्तान सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, DSP जोगेंद्र यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अलग अलग जो है DSP यहाँ पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि चारों तरफ से पुलिसकर्मी नजर बनाए हुए हैं, लाइफ जैकेट के साथ यहाँ पर है और आपको बता दूं कि PWD की भी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि चारों तरफ से पुलिस जो है चौकन्ना यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन अब इस साइड की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए अभी अभी जो है ड्यूटी के ऊपर अपनी अपनी पोजीशंस लेते हुए यहाँ पर ये जो पुलिसकर्मी है वो दिखाई दे रहे हैं। और बात की जाए व्हीकल्स की तो आपको बता देती हूँ कि हरियाणा पुलिस के ये वाहन यहाँ पर खड़े हुए हैं जिसे वज्र वाहन कहा जाता है और जिसके अंदर जो है तैनात होकर के पुलिसकर्मी बैठ करके आते हैं। हालांकि दो और आगे जो है 3 या 4 गाड़ियां देखने को मिली थी। हालांकि अगर इनकी बात की जाए तो इनके अंदर जो है 52 सीटर ये बस है पुलिस कर्मियों की। और अगर पुलिस की संख्या की बात की जाए तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि पुलिस की संख्या जो है अभी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लगभग पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँचते जा रहे हैं। और अभी तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर मीर का हत्याकांड से जुड़े हुए लोग जो है अलग अलग संगठन जो है इस साइड से आने की उम्मीद लगाई जा रही है। यानी कि आपको बता देती हूँ कि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि इस साइड से आ रहे हैं या इस साइड से आ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने नाके जो है दोनों तरफ लगाने की तैयारी कर रखी है। पुलिसकर्मी आप लोग देख पा रहे हैं जो है DSP जोगिंदर शर्मा और SHO कप्तान की देख रेख के अंदर इन सभी को डायरेक्शन दी जा रही है और अब जो है अपनी अपनी पोजिशंस के ऊपर ये सभी पुलिसकर्मी तैनात हो चुके हैं। बैरिकेड्स जो है अभी तक नहीं लगाए गए हैं, साइड के अंदर रखे गए हैं। हालांकि विधायक के घर की तस्वीरें दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं कि जो है एक छोटा गेट जो साइड का है वो अभी तक खुला हुआ है। हालांकि और जो शटर आप लोग देख पा रहे हैं वो बंद है। अभी तक ये भी जानकारी नहीं मिल पाई है कि विधायक कमल गुप्ता घर के अंदर मौजूद है या नहीं है, लेकिन अभी तक कुछ बड़े घेराव की सूचना नहीं है। हालांकि अभी सिर्फ घेराव तक की सूचना है कि यहाँ पर आएंगे, घेराव किया जाएगा और उसके बाद ज्ञापन दे करके ये पूरे के पूरे जो 25 संगठन है ये चले जाएंगे। लेकिन अभी जो है ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी तक जानकारी नहीं है कि वो कहां से आने वाले हैं। हालांकि चारों रास्ते जो है कहीं ना कहीं घेर लिए गए हैं और अभी अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर सभी संगठन इकट्ठे हो चुके हैं, सिविल हॉस्पिटल से ही चलने की तैयारियां तेज हो चुकी है। पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे कि सभी के सभी पुलिसकर्मी जो है तैनात कर दिए गए हैं और एक्शन मोड के अंदर पुलिसकर्मी यहां पर दिखाई दे रहे हैं और मलिक चौक से लेकर के विधायक के घर से बिल्कुल 100 मीटर की दूरी तक जो है पुलिसकर्मियों ने अब थोड़ी देर के अंदर नाका लगाने वाले हैं। शायद यहाँ से आने जाने वाले वाहनों को भी नहीं आने जाने दिया जाए, लेकिन जिस तरीके से अगर रंग ढंग की बात की जाए या फिर पुलिस की बिहेवियर की बात
बात की जाए तो लग नहीं रहा है कि इतना ज्यादा कोई बड़ा प्रदर्शन है, क्योंकि जिस तरीके से रिलैक्स मोड के अंदर पुलिसकर्मी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर किसान आंदोलन की बात की जाए तो किसान आंदोलन के दौरान जो है पहले से ही बैरिकेड्स लगा दिए जाते थे, लेकिन अगर कल की बात की जाए तो कल हम यहाँ से गुजर रहे थे तब ये देखा गया था कि विधायक के घर के बाहर कल रात से ही बैरिकेड्स लगाए हुए थे, हालांकि साइड के अंदर रखे हुए थे, नाका नहीं लगाया हुआ था, बंद नहीं किया हुआ था, लेकिन लगातार ये लाइव तस्वीरें आप विधायक कमल गुप्ता के घर के बाहर की देख पा रहे हैं, जहां पर पुलिसकर्मी जो है काफी संख्या के अंदर अब लगातार पहुंचते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं कि डीएसपी जोगिंदर शर्मा जो है एक गुट बना करके पुलिसकर्मियों का एक जगह इकट्ठा करके उनको समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो क्या करना है, किस सिचुएशन के अंदर क्या एक्शन लेना है, और उनको पूरी की पूरी चीजें बता रहे हैं कि अभी तक जो है क्या क्या उनके पास जानकारियां हैं। और ये देखिए सभी के सभी पुलिसकर्मी के साथ साथ महिला कांस्टेबल भी यहाँ पर जो है पहुंच चुकी है, और महिला कांस्टेबल भी जो है लगातार ये पूरी की पूरी चीजें सुनते हुए नजर आ रही हैं, सारी बात सुनते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर मीरका हत्याकांड से जुड़े लोग नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर अभी मिल चुकी है कि कुछ ही समय के अंदर वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, और अभी अभी सिविल अस्पताल से वो निकल चुके हैं। खैर, विधायक कमल गुप्ता के घर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा चुके हैं, और ये देखिए बैरिकेड्स लगातार यहाँ पर लगाते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ। पुलिस जो है चौकन्ना हो चुकी है, क्योंकि हो सकता है कि अभी अभी जो है यहाँ पर मीरका हत्याकांड से जुड़े हुए लोग और विभिन्न संगठन पहुँचने वाले हैं, और ये देखिए ड्यूटी के ऊपर अपनी पोजीशन लेते हुए जो जो वाहन अभी निकल पा रहे हैं उनको जाने दिया जा रहा है, और जो नहीं निकल पाए वो अब यहाँ से नहीं जा पाएंगे। नाका यहाँ पर लगा दिया गया है, बैरिकेड्स लगा करके रास्ता बंद कर दिया गया है। जी हाँ, जिंदल टावर से लेकर के जो है विधायक के घर के अंदर जब गली में एंट्री करते हैं वहां तक जो है रास्ते बंद कर दिए गए हैं, और ये तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं हिसार के विधायक कमल गुप्ता के घर के बाहर की, जहां पर मीरका हत्याकांड का मामला काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि अभी तक जो है 12 दिन हो चुके हैं मीरका हत्याकांड को, लेकिन अभी तक मीरका हत्याकांड से जुड़े लोग संतुष्ट नहीं हो पाए हैं। हालांकि कई बार बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन बातचीत के अंदर भी कोई भी सहमति नहीं बन पाई। दो दिन पहले एसडीएम से बात करने की कोशिश की गई थी, उसके बाद कल 11वें दिन पूरे हरियाणा को कॉल दिया गया था कि सभी संगठन जुड़ेंगे, लेकिन आज 12वें दिन की बात की जाए तो आज 12वें दिन जो है सभी संगठन मिल करके यहाँ पर आने वाले हैं। हालांकि पूरे हरियाणा लेवल की ये कॉल थी। अब पूरा का पूरा सारी की सारी तस्वीरें एक बार चाहूंगी कैमरामैन घुमा करके दिखा दे। ये देखिए स्टार्टिंग में जो है बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, बीच के अंदर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं, और इस साइड भी जो है बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। हालांकि एसएचओ कप्तान सिंह आपको दिखा देती हूँ कि पूरी की पूरी ड्यूटी संभालते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और ये लगातार लाइव तस्वीरें आप हिसार के विधायक कमल गुप्ता के घर की बाहर की देख पा रहे हैं, जहाँ पर अभी तक जो है कुछ ऐसी ज़्यादा हलचल होती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन आपको देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा रास्ता जो है ये खाली कर दिया गया है, और जिस रास्ते के ऊपर मैं खड़ी हूँ ये मेरे ख्याल से 100 मीटर का रास्ता है विधायक के घर से लेकर के जो है जिंदल टावर तक, जिसे बंद कर दिया गया है दोनों तरफ बैरिकेड्स लगा करके। ये सिटी बिग न्यूज़ जो है आपको सबसे पहले लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि अभी जो है मीरका हत्याकांड के लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और अब देखने वाली बात यह है कि 12वें दिन जो है आखिरकार होने वाला है तो क्या होने वाला है, क्या विधायक कमल गुप्ता घर के अंदर मिलेंगे, क्या वो बाहर आकर के इन सभी लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे। और पीछे एक बार चाहूंगी कि विधायक के घर की तस्वीरें भी दिखा दी जाइए। देखिए अभी अभी जो है इनके घर से दो व्यक्ति निकल करके आए हैं, मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन विधायक कमल गुप्ता मुझे नहीं पता कि अभी तक बाहर आएंगे नहीं आएंगे, घर के अंदर है या नहीं है उपस्थित, लेकिन SHO कप्तान सिंह अपनी पूरी की पूरी ड्यूटी यहाँ पर निभा हुए दिखाई दे रहे हैं, और सभी पुलिसकर्मियों को जो है पोजीशंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं पूरा कि आसपास के अंदर कहीं कोई खामी तो नहीं रह गई है, कहीं कोई चूक तो नहीं रह गई है। और ये देखिए लगातार हेलमेट लाइफ जैकेट के साथ और डंडे के साथ पुलिसकर्मी यहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पूरा पुख्ता प्रबंध यहाँ पर कर दिया गया है, और ये कुछ कट्टे के अंदर रस्सियाँ लेकर के आई गई है, और रस्सियाँ अभी बांधने का प्रयास किया जा रहा है, और
बता देती हूँ आपको कि अभी जो है रस्सी आप लोग देख पा रहे हैं, रस्सी बांधने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी और बैरिकेड्स के आगे रस्सी बांधी जाएगी या फिर पीछे कुछ इस तरीके से जो है प्रॉपरली इसको घेराव करने के लिए, ताकि इसके ऊपर से जो है लोग आ ना सके अगर ज्यादा उग्र होता है। और देख सकते हैं DSP जोगेंद्र भी पूरे तरीके से निरीक्षण करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक बार चाहूंगी जूम करके दिखाते रहिए, DSP जोगेंद्र जो है पूरे तरीके से निरीक्षण करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं वो प्रॉपरली लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए हैं। और अगर बात की जाए हिसार के पुलिसकर्मियों की, तो आपको बता देते हैं कि हिसार के पुलिसकर्मी जो है बेहद ही अच्छे तरीके से काम करते हैं, अपना काम जो है पूर्ण रूप से करते हैं और देश की सेवा करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। चाहे वो DSP जोगेंद्र की बात की जाए या फिर DSP अभिमन्यु की बात की जाए, DSP अशोक की बात की जाए या फिर SHO कप्तान की बात की जाए, लगातार जो है पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभाते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। लेकिन अब आपको बता देती हूँ कि कुछ ही समय के अंदर ये यहाँ पर मीरका हत्याकांड से जुड़े हुए लोग और 25 संगठन के लोग पहुँचने वाले हैं। खैर, तब तक जुड़े रहिए आप मेरे साथ और आगे की भी लाइव अपडेट आपको दिखाती रहूंगी। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।